subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Marula Classes. Aaj hamare saath hain Arun sir, who is an alumni of JNU and currently he is working in a great brand. He has worked in Citibank and many great organizations. So I would like to request Arun sir to give a brief introduction about himself, like from where he did his graduation, then post-graduation, and how he got his dream job. So hello, and I am Arun. I have completed MC from JNU, and I have started my career from Samsung, and after that Citibank. Yeah, that's it. So as you all know that Samsung is a great name, and those who are from MCA, they must have heard about Citibank also. They recruit people from most of the NITs and many great institutions. So I mean, Arun sir is giving his precious time to us, so please give some extra attention to whatever he tells us because he has experience in this field. So sir, my first question from you is, like जो students JNU में admission लेते हैं या फिर जो अभी लेने वाले हैं उनके मन में ये हमेशा means they keep us asking कि placements हो रहे हैं कि नहीं या placements अच्छा होगा कि नहीं, admission दें कि नहीं दें, तो आप क्या experience रहा है? Because आप alumni रह चुके हैं और आप regular touch में रहते ही हैं alumni success students के और अपने college के, तो आपका क्या कहना है कि placement scenario कैसा है JNU में? प्लेसमेंट बहुत अच्छा है JNU का, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही हो. इवन जब डिसीजन आया था उस टाइम में भी वहाँ का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो वहाँ प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो. सर काफी स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है लाइक कि नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो कम आती हैं JNU में इन कंपैरिजन टू NITs और अदर कॉलेजेस. So is it true? और अगर इस number of companies कम भी आ रही है तो क्या उससे placement impact होता है? JNU में placement से जो होता है वो student का अपना ही होता है. student ही companies से contact करते हैं, वही उनको invite करते हैं. तो वो उतना ही company invite करते हैं जितनी जरूरत हो. और अगर सबका placement हो गया हो तो सही है, तो उसमें नंबर से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता. अगर 30 से 40 स्टूडेंट हैं, 6-7 कंपनी भी आ रही हैं और सबको हो गया तो फिर बाकी आगे बुलाने का कोई मतलब नहीं है. तो नंबर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते यहाँ पे. सो बेसिकली इट्स इट्स जो स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, तो इस बात से कंफ्यूज ना हो क्योंकि जिस कॉलेज में नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा आ रही है वहाँ पे स्टूडेंट्स भी ज्यादा है और JNU में स्ट्रेंथ ही MCA की बहुत कम रहती है, लेस देन 30 और मैक्सिमम 30 रहती है. इतने स्टूडेंट्स के लिए 5-6 कंपनीज सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो. सर अगर हम बात करें लाइक BSc स्टूडेंट्स की जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से जाते हैं MCA करने, तो आपने आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं क्या वो पीछे रह जाते हैं, मीन्स वो कम अच्छी जॉब्स ग्रैब कर पाते हैं या उनका परफॉर्मेंस MCA में कम अच्छा रहता है या फिर वो कवर अप कर देते हैं MCA प्रोग्राम में? नहीं, ऐसा नहीं होता, कवर अप कर लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. हाँ, स्टार्टिंग में मैं कहूंगा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है बट वो कवर हो जाता है. ऐसा नहीं है कि उनको आगे प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो, ये सब नहीं होता, हो जाता है. सर अगर हम अपनी प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन हमें किस सेमेस्टर से स्टार्ट कर देनी चाहिए? लाइक अब MCA प्रोग्राम 2 इयर्स का हो गया है मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में, सो किस सेमेस्टर से इसको अपनी जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है स्टार्ट कर देनी चाहिए? 2 इयर्स तो हो गया तो मींस थर्ड सेमेस्टर से कंपनी जाने स्टार्ट हो जाती होंगी. यस सर, तब तो मतलब सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर देनी चाहिए. ओके सर, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या दो या जितनी भी चीजें आप बताना चाहें, तो कौन से 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो जिन पे हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए या फिर जो इम्पोर्टेंट होते हैं? इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं जो कि हर कंपनी कहीं ना कहीं से पूछ ही लेती है. DSL हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, OS, DBMS, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग,
उप्स कॉन्सेप्ट, तो ये सब चीजें हैं जो 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 हमें मतलब प्रिपेयर करना ही चाहिए। ओके सर, अगर हम कोडिंग और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं दोनों चीजों के लिए कि लाइक कोडिंग को ज्यादा टाइम दें या प्रोजेक्ट को ज्यादा टाइम दें, मैनेज नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम कोडिंग और प्रोजेक्ट को बहुत टाइम दे देते हैं, बट हम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक ओएस है, डीबीएमएस है, ऑप्स है, इनसे इंटरव्यूज में जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है तो हम वो क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाते हैं बिकॉज हम थ्योरी पे नहीं ध्यान दे पाए प्रोजेक्ट और कोडिंग के चक्कर में। तो क्या वेटेज हमें इन तीनों चीजों को देना चाहिए, मीन्स हमारे जो सब थ्योरी थ्योरेटिकल नॉलेज है और जो हमारी कोडिंग और प्रोजेक्ट्स को, जिससे हमारा आराम से स्मूथली हमारा इंटरव्यू राउंड्स और जो हमारे इंटर्न राउंड्स होते हैं वो निकल जाए। मतलब स्मूथली चलने के लिए तो हमें टाइम मैनेज करके चलना होगा, हमें हर एक को टाइम देना होगा। अब जैसे कि आपने दो कैटेगरी बताई, थ्योरी हो गया और कोडिंग हो गया। कोडिंग हमारा हो जाता है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रैक्टिस में मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अगर हमें कोडिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाया तो हम थोड़ा सा भी टाइम दे दें कि आज हमारे पास टाइम है तो हम इजी कोडिंग कर लें। हाँ, जो जो पहले कोड कर चुके वही दोबारा कर लें, लेकिन कंटिन्यूटी ना तोड़ें कोडिंग में, मैं ये कहूँगा। अगर हम कोडिंग की बात करें तो लाइक जब हम लाइक YouTube में काफी अब काफी साइट्स हैं या कैसे काफी यूट्यूबर्स हैं जो कोडिंग सिर्फ उनकी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स ही कोडिंग के बारे में बताते रहते हैं, तो लाइक कोई सजेस्ट करता है कि आप एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई बोलता है 5 कर लीजिए, या फिर कोई सजेस्ट करता है कि 500 क्वेश्चन आपको लगा लेने चाहिए, बट प्रैक्टिकली एकेडमिक्स के साथ फीजिबल नहीं हो पाता है कि आप एक दिन 10 क्वेश्चन कर लें। बिकॉज अगर आप सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी एक ही क्वेश्चन हम दिन भर करते रह जाते हैं, तब हम लास्ट में उसका जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम कितना टाइम मिनिमम एक दिन में कोडिंग को दें या पर डे हम देते रहें जिससे हमारी कोडिंग 2-3 महीने बाद पूरी ठीक हो जाए। अगर हम स्टार्ट करें स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि इजी क्वेश्चन भी हमें बहुत ज्यादा टफ लगे, मीडियम क्वेश्चन एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने लगे, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ जाएगा। फिर बाद में हम मैनेज कर सकते ठीक है कि हम 1 घंटे देंगे या 2 घंटे देंगे। और ऐसा नहीं है कि हमें 500 क्वेश्चन कर ही लेना है या 200 कर लेना है, ऐसा नहीं है। बस कंटिन्यू रखना है हमें, हम कितना कैश करते जाते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। स्टार्टिंग ज्यादा देना पड़ेगा एंड बाद में हम 1-2 घंटे तक उसको लिमिट कर सकते हैं। सर, अगर हम कोडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कौन से कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं कोडिंग प्रैक्टिस के लिए? कोडिंग प्रैक्टिस के लिए अभी तो बहुत है, कोर्सअप है, हैकरडंक है, लीडकोड है, गीक फॉर गीक्स है। तो मतलब मैंने जो किया था, मैंने स्टार्ट हैकरडंक से किया था, उसके थोड़ी दिन तक मैंने किया था, फिर बाद में लीडकोड और गीक फॉर गीक्स ये दोनों पर मैं पैरेलल करता था इन दोनों पे। सो इनसे काफी हेल्प मिली थी। लीडकोड में मुझे मतलब अच्छी बात ये दिखी थी कि उनके जो टेस्ट केसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। लीडकोड पे प्रैक्टिस करने से कुछ चीजें जो है हमारे मतलब आदत में ही आ जाती है, एस कंडीशन लगाना, छोटी छोटी चीजें हमारी आदत में आती है। और गीक फॉर गीक्स में है कि वहां पर हमें काफी वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, गीक फॉर गीक्स में हमें काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि सही में बहुत बार इंटरव्यू में हमें मिल जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं गीक फॉर गीक्स के। लेकिन गीक फॉर गीक्स में है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो वहां पर हम लोग ये यूज कर सकते हैं, जैसे मस्ट डू कोडिंग फॉर दिस दिस कंपनी, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज और कंपनी वाइज कोडिंग है, तो हम वहां से उठा सकते हैं। जैसे मैंने किया था मस्ट डू कोडिंग फॉर कंपनीज लाइक अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, सो उसमें अराउंड 200 क्वेश्चंस थे, तो वो किए थे, तो उससे मतलब काफी फायदा मिला था। सर, जब हम लाइक कोडिंग में कोई नया क्वेश्चन हमारे पास आता है, लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग में कुछ फिक्स कैटेगरीज होती हैं, लाइक नैपसैक हो गया, उसके बाद बाउंडेड नैपसैक, अनबाउंडेड नैपसैक, इनके कुछ मतलब बेस होते हैं, उसी पे आपको क्वेश्चन बेस करके दिया जाता है। तो अक्सर हम लाइक आज मैंने प्रैक्टिस किया, आज मैंने देख लिया, अच्छा मुझे नहीं समझ में आया, फिर मैंने एक सॉल्यूशन देखा, फिर अगर मैंने उसको दोबारा नहीं प्रैक्टिस किया तो 3-4 महीने बाद मैं फिर भूल जाऊंगी, मुझे यही जो करना है पता नहीं किस पे लगेगा, पर मैं नहीं सॉल्व कर पाती हूँ।
तो इस मीन्स ये कैसे आपने मेंटेन रखा कि मीन्स अगर आपने आज कोई टेक्निक या कोई प्रॉपर एल्गोरिदम सीखा है तो उसको आप रिवाइज किस तरीके से कर देते हैं? रिवाइज करने के लिए सेम टॉपिक पे थोड़े थोड़े दिन के गैप पे मैं कोई ना कोई क्वेश्चन कर लेता था, जिससे थोड़ा याद रहे। काफी काफी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें समझ में आ गई कि अब हमें मालूम है कि हम नहीं भूलने वाले हैं, लेकिन कोई कोई चीजें होती हैं कि जो हमारे दिमाग से उतर जाता है, तो उसके लिए हमें कभी कभी रिपीट करना पड़ जाता है। तो स्टार्टिंग में 3-4 दिन पे मैंने उसको रिपीट कर लिया, सेम टॉपिक क्वेश्चन लगा लिए। फिर 1 महीना हो गया, फिर मैंने लगा लिए, तो इससे मतलब मेंटेन हो गया था। हाँ So, in small, in brief, we can say that revision is also important. Means, हाँ जरूरी बिल्कुल, नहीं कि आप 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएं, अगर आपने 200 क्वेश्चन भी 3-4 बार लगा लिए तो आपको टॉपिक से कंसेप्ट काफी अच्छे से आ जाएंगे. रिवीजन। इससे एक और फायदा भी होता है कि हमें खुद एक ही क्वेश्चन के अलग अलग तरीकों से लगा सकते हैं। हमारा खुद मतलब हम खुद मतलब उसमें देखने लगते हैं कि हाँ ये तो इससे भी लग जाएगा। उसके बाद ज्यादा घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आता है तो हमारे समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर नपसक लगने वाला है या यहाँ डीपी लगने वाला है, कौन सा सही रहेगा। जैसे कि डीपी का है, डीपी के सारे डीपी मतलब क्वेश्चन बेसिकली रिकर्सन से लगते हैं, उसमें डीपी भी लग जाता है। फिर मतलब इस समय फायदा होता है। सर, जैसे आपने यूज किया गिग्स फॉर गिग्स और लीट कोड अपनी कोडिंग प्रैक्टिस के लिए, सर इन दोनों ही वेबसाइट्स पे कैटेगरीज होती है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स भी होती है और कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज भी कैटेगरी होती है. तो आपने लाइक मोस्टली स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, फिर वो कंपनी वाइज स्विच करते हैं. तो आपने कितना टाइम दिया टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पे और फिर आप कब स्विच किए कंपनी वाइज क्वेश्चंस पे? मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे ही दिया था, और कंपनी में स्विच करता उससे पहले ही मतलब इंटरव्यू का फायदा दिखने लगा था, टॉपिक पे ही मैंने किया था। मैं काफी बाद में मैंने कंपनी वाइज कोडिंग पे मैंने स्विच किया था, स्टार्टिंग टॉपिक वाइज करता था। सॉरी। अगर लाइक अब आपको वर्क करते हुए इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो जब हम कॉलेज से रिक्रूट होते हैं तो हमसे कोडिंग के बारे में पूछा जाता है, देन हमारा जो ये सब्जेक्ट्स हो गए लाइक ओएस डीबीएमएस और प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है. तो जब आप ये तो हमारा डायरेक्ट एज अ फ्रेशर जब आप रिक्रूट होते हैं, उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद जब आपका मींस इंटरव्यू क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है या फिर सेम चीजें आपसे आगे भी पूछी जाएंगी? थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आगे हम किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें पूछे जाने लगती हैं। कंपनी भी जो रिक्रूटमेंट निकालती है मतलब एक्सपीरियंस के लिए, तो वो किसी प्रोजेक्ट के लिए निकालती है कि हम इस प्रोजेक्ट में लोगों की जरूरत है, तो उस प्रोजेक्ट में किस टेक्नोलॉजी की यूज हो रही है, तो उससे रिलेटेड चीजें मतलब देखते हैं कैंडिडेट में कि उस टेक्नोलॉजी पे काम कर चुका है कैंडिडेट या उससे रिलेटेड किस चीज पे कर चुका है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो उधर स्विच कर पाए, ये सब देखते हैं और इस हिसाब से रिक्रूटमेंट करते हैं। हाँ अगर हम इंटरव्यू प्रोसेस का बात करें तो एक मींस काफी सारे राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज में, तो आप समराइज कर सकते हैं कि ये कौन कौन से राउंड्स होते हैं, एक मींस कॉमन अगर हम सब कंपनीज का एक सम अप करना चाहें, और राउंड्स में उन राउंड्स में क्या क्राइटेरिया होता है या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं? जैसे अभी मैं गूगल, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स इन सब का मतलब एक देखूं तो इन सब में कॉमन स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो उसमें होता है कि पहला राउंड कोडिंग का हो गया 1.5 घंटे का, फिर उसके बाद फिर 2 राउंड कोडिंग के होते हैं, डिजाइनिंग राउंड, बिहेवियर राउंड और लास्ट में फाइनल राउंड। तो ये पैटर्न लगभग मैंने इन सब टाइप की कंपनीज में देखा है, मैंने गूगल में, अमेजोन में, गोल्डमैन सैक्स में, इन सब में मतलब कॉमन पैटर्न मैंने देखा है। हाँ ये भी अगर फ्रेशर हैं तो हाँ उनके लिए डिजाइन राउंड ना हो, उनके लिए थोड़ी कम राउंड हो। सर, जो लाइक जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं उनके लिए हमें पता रहता है कि हमारे कॉलेज में कंपनीज आएंगी तो हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं.
हम लोग वेट करते हैं कि कॉलेज में कंपनी आएगी, हम में देते हैं एग्जाम्स देते हैं एंड वी गेट अवर प्लेसमेंट डन. बट जो टीयर टू और टीयर थ्री राउंड के कॉलेजेस होते हैं उनमें कंपनीज कैंपस फिजिकली नहीं आती हैं उतनी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस ही अपना प्लेसमेंट ट्रैक करते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कौन सी वेबसाइट्स फॉलो करनी चाहिए या फिर उन्हें क्या तरीका ऑप्ट करना चाहिए ताकि उन्हें जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी ओपनिंग्स के बारे में पता चलता रहे और वो उन कंपनीज में बैठ पाएं. वेबसाइट है naukri.com, इंस्टा है, लिंक्डइन, ये सब वेबसाइट है। वहाँ पे अपना अकाउंट बनाए, प्रोफाइल बहुत अच्छा बनाए, उसमें एक्टिव रहें, वहाँ काफी रिक्रूटर्स होते हैं उनको फॉलो करें, तो कभी ना कभी प्रोफाइल किसी न किसी रिक्रूटर के अटेंशन में आएगा ये। और बाकी इसके अलावा ई लिटमस का एग्जाम होता है, तो वो भी काफी हेल्पफुल होता है, अगर उसमें अच्छा स्कोर कर गया तो अच्छी कंपनी से कॉल आ जाते हैं, एक्टिव रहने की जरूरत है, उसके बाद कॉल आ जाता है। सर अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें लाइक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमारे एकेडमिक्स में हम उतना नहीं सीख पाते कि हम एक प्रोजेक्ट पूरा बना लें, हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत पड़ती है. लाइक हमें अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज आपके एकेडमिक्स में दे दी जाती है, आपके सेमेस्टर में आपको पढ़ा दिया जाता है. उसके बाद अगर आपको एडवांस बूटस्ट्रैप आपको यूज करना है या जैंगो यूज करना है तो हमें विदाउट सारे रिसोर्सेस की हेल्प देनी पड़ती है. तो ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं जिनसे हम एक्स्ट्रा कोर्स कोई हम सीखना चाहें या कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं? ये तो इंटरनेट पे काफी कोर्सेज अवेलेबल है, पेड भी है, अनपेड भी है। पेड में यूडेमी हो गया, एडुका हो गया, एंड एल्गो एक्सपर्ट, ये सब हो गए। और बाकी यूट्यूब पर भी काफी मटेरियल मिल जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हम दोनों का ही यूज कर सकते हैं, काफी मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पर। सर अगर हम डीएस एल्गो की बात करें तो मीन्स ज्यादातर कंपनीज इस पे काफी फोकस करती हैं, लाइक डीएस एल्गो स्ट्रांग होना चाहिए. तो डीएस एल्गो में अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हमारी कमांड मतलब बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, लाइक उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते ताकि अगर हमें अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो. डीएस में एक चीज नोटिस किया कि जो सबसे ज्यादा इजी है एरे एनालिटिक, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इन्हीं दो टॉपिक से पूछे जाते हैं। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें इन दो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और अगर यही दो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो मतलब काफी कंपनीज के कोडिंग और निकल सकते हैं एरे स्ट्रिंग। और थोड़ा और बढ़ना चाहते तो स्टैक क्यू ग्राफ ट्री, बट एरे स्ट्रिंग से काफी उसमें काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। सर आपने जब अपनी प्रिपरेशन की तो आप लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स है जब ट्राई आता है या फिर एबीएल ट्री हो गया, ये सब जब चीजें आती हैं तो हमने मीन्स हमें बहुत टाइम देना पड़ता है तब इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. तो आप मीन्स कोई बुक प्रेफर करते थे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह यूज करते थे, और आपको मींस ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगा ये जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर से सीखने के लिए? क्योंकि स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, लाइक आई मैसेल्फ मुझे भी जब मींस सेमेस्टर के दौरान उतने अच्छे से नहीं आ पाया था, बस लेकिन एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर ली थी कि पास हो जाए. तो अभी भी मतलब फिर से वो वीडियोस भी बार बार देखने पड़ते हैं, एबीएल ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया. तो ये सबके साथ होता है या फिर मीन्स किसी को बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है या फिर ऑन एन एवरेज सब स्टूडेंट्स को इन पे टाइम देना पड़ता है? नहीं, मोस्टली सबको टाइम देना पड़ जाता है, कोई कोई नया टॉपिक सीखते हैं तो उसमें टाइम देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जैसे नया टॉपिक देखते थे तो वीडियो भी देख लिया, कभी बुक भी देख लिया, उसके बाद उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया। हाँ, थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया है, हमें लगता है आ गया, लेकिन जब तो उस पर क्वेश्चन आने लगे तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे अप्लाई करना है, या कोई क्वेश्चन आया वन पर जिसमें तो ये डेटा स्ट्रक्चर लेगा, हमारे दिमाग में आया नहीं, तो थोड़ा बहुत तो फ्रस्ट्रेशन होता ही है, मोस्टली लोगों के साथ होता है, तो यह परेशान होने की बात नहीं है। सर अगर हम लाइक कोडिंग की बात करें तो कोडिंग मींस अगर अच्छी कंपनी में चाहिए तो ऑफ कोर्स ओटी क्लियर करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप वही है. तो इसलिए स्टूडेंट्स काफी इस बात को लेके क्लियर
क्यूरियोसिटी उनके अंदर रहती है कि कोडिंग स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, कितने कोर्सेज लगाने चाहिए. तो यूट्यूब में भी अब काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो बताते रहते हैं, तो मोस्टली काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं, लाइक काफ़ी लिस्ट ऐसी यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि 500 मस्ट टू कोडिंग क्वेश्चंस और 200 मस्ट टू कोडिंग क्वेश्चंस, बट प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं हो पाता है कि हम 2 महीने में 500 क्वेश्चन लगा लिए जाए, क्योंकि आपके एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम आ जाते हैं, माइनस आ जाते हैं, उस दौरान आपको सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है. आप कोडिंग नहीं, कोडिंग बिकॉज अगर आप कोडिंग करने बैठे तो आपके पास एटलीस्ट 3 आवर्स का टाइम होना चाहिए, बिकॉज आप क्वेश्चन समझेंगे, फिर अपने आप से आप अप्रोच लगाएंगे, फिर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आप पूछेंगे. तो ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से पर डे हम कितना टाइम अगर हम दे पाए तो हम एक अच्छे कोडर बन जाएंगे आफ्टर 3 to 4 months ऑफ प्रैक्टिस? स्टार्टिंग में तो हमें ज्यादा टाइम लगना ही है. स्टार्टिंग में कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम हमें देना पड़ेगा, और फिर बाद में डेली 2 घंटे का टाइम दे देते हैं तो सफिशिएंट है. धीरे धीरे होते होते प्रैक्टिस होते होते हम जल्दी, हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है, तो मेरे ख्याल 2 घंटे सफिशियंट है. सर, अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस समय काफी ट्रेंडिंग है या कंपनीज जिन्हें प्रेफर कर रही हैं जिनके प्रोजेक्ट्स? अभी ट्रेंडिंग में तो यही है, मशीन लर्निंग, एआई, लैंग्वेज सबसे ज्यादा क्रेज अभी लैंग्वेज है पाइथन का. अभी जितने भी इंटर्न्स को देखता हूँ आते हुए, 90% ज्यादा लोगों को पाइथन की नॉलेज होती है, पाइथन में प्रोजेक्ट करके आए होते हैं. तो अभी तो यही है, पाइथन, मशीन लर्निंग, एआई. सर, अगर हम एमसीए के करियर को देखें, लाइक काफी स्टूडेंट्स मन में ये डाउट रहता है कि कुछ कॉलेजेस जो है वो एमसीए प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, तो आपने आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एमसीए की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रोमिंग, उनका जो ग्रोथ है उनके करियर का, वो ग्राफ बढ़ा है या फिर कुछ डिक्लिनेशन हुआ है उनके परफॉर्मेंस में या उनके जो भी प्रोडक्टिविटी है उसमें? परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं आई है, ऐसा नहीं है. हाँ, लोग बीटेक ज्यादा करने लगे, बीटेक की तरफ ज्यादा जाने लगे, इसलिए हो सकता है कि एमसीए स्टूडेंट थोड़े कम हो गए, बट परफॉर्मेंस में ऐसी कोई कमी नहीं आई है. ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बीटेक एमसीए दोनों को ही इक्वल मिलती है, दोनों ही इक्वली ग्रोथ करते हैं. कोई भी ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ पार्शियलिटी होती हो या कहीं कुछ लैक कर जाते हो एमसीए वाले, ऐसा नहीं है. सो ऑन एन एवरेज अगर हम पैकेज की बात करें तो एक एमसीए स्टूडेंट कितना पैकेज ग्रैब कर सकता है? एवरेज 7 to 8 कर सकता है. मतलब मैंने जब किया था तब एवरेज 5 गया था, तो काफी साल हो गए. दैट्स 7 to 8 years अगो. उस टाइम ये भी बहुत मतलब अच्छा पैकेज आपके. हाँ, उस टाइम बहुत अच्छा था. इस समय आफ्टर 7 to 8 years आप 8 to 10 lakh ऑन एन एवरेज कंसीडर कर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक दैट्स ग्रेट पैकेज फॉर एन आईटी स्टूडेंट. एंड सर, आपने लाइक प्राइवेट सेक्टर में इतने आप टाइम दे चुके हैं, तो ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है एमसीए या बीटेक स्टूडेंट्स के बीच में, लाइक दे आर गिवन एक्स्ट्रा प्रिविलेज? ना ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं. कोई फिर बाद में 1-2 साल बाद कोई पूछता भी नहीं कि मतलब क्या किया एमसीए है, बीटेक है, कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होता. जैसे कहा ना कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ग्रोथ के लिए, इक्वली बिहेव किया जाता है, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. एक सर, एक मिथ ये भी बहुत स्टूडेंट्स के मन में होता है, लाइक कि आईटी सेक्टर में प्रेशर बहुत है, ये अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि बहुत वर्क प्रेशर है और कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको इतने टाइम तक करना है, आपका अगर पास नहीं हुआ है तो बहुत पूरा पूरा दिन काम करना पड़ता है. तो एज सच ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं या फिर विन विन सिचुएशन होती है, आपको रिलैक्स? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रेशर होता है, ऐसा नहीं, ये एक मिथ है बस. और बाकी प्रेशर की बात करें तो वो अपने ऊपर थोड़ा डिपेंड कर जाता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो सारा काम ही प्रेशर है. टास्क जो डेडलाइन होती है वो लगा लगा हर जगह होती है, चाहे हम किसी भी फील्ड में चले जाए वहाँ डेडलाइन की प्रॉब्लम होती है. तो ये कभी कभार हो गया, ऐसा नहीं कि हम लोग 365 डेज प्रेशर में रहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
So that was all about today's session. Thank you, sir, for giving us your time. Thank you. Thank you. Thank you.